नो हमारे कई भाई लोगों को एक सवाल था ये लेकर कि हम रेलवे ट्रैक पे बंदरों को खाना खिलाते हैं हेलो नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी स्वागत है आप सभी का फूडिंग मंकीज में तो दोस्तों देखिए जैसे कि आप लोग जानते हैं हर बार की तरह हम लोग आ चुके हैं रेलवे स्टेशन पे और देखिए आज हम खिलाएंगे अपनी वानर सेना को बिस्किट्स तो अभी हम उनको ढूंढने के लिए आए आज थोड़ा लेट हो गए हमें क्षमा करना क्योंकि हम किसी काम में बिजी थे जिस वजह से आज थोड़ा लेट हो गए तो अभी हम जा रहे हैं अपने वानर सेना के पास में वो उस साइड मिलेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ उस साइड को लोग मिलेंगे तो अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं तो चलिए चलते हैं देखते हैं कि कितने बंदर आज हमको मिलते हैं अभी मेरे साथ मोंटी है और ये है हैप्पी और ये हमारे साथ में बिस्किट्स कहाँ बैठे हैं उधर अभी बुला लेते हैं हाथ में दियो ले खा लो बिस्कुट आज हमने स्पेशल अमेरिका से मंगवाया आपके लिए चलिए खा लीजिए मैडम स्पेशल बिस्किट है अमेरिका से मंगाया आपके लिए खाइए मजे से खाइए ठीक है अच्छा लगा तो हमें बताना टेस्टी है ना सॉरी लो बहन जी खा लो मैडम जू बाद में देख लेना पहले खा लो अच्छा जू देखने में व्यस्त है ये जू देखने में व्यस्त है ये लो चमन प्रकाश जी खा लो अच्छा है ना बिस्कुट ये देखिए दोस्तों ये जा रहा है खड़ी पूछ का बंदर ये जाते हुए खड़ी पूछ का बंदर भाई देखिए कमला देवी जी इधर से आ रही हैं ये कमला देवी जी को बिस्कुट दिए गए कमला देवी जी ने एक साथ हाथ में बिस्कुट भरते हुए एक कमला देवी जी बिस्कुट को मजा लेती हुई ये देखिए ये पूरी फैमिली बिस्कुटों का आनंद लेती हुई ये छोटे बच्चों को बिस्कुट दिया जाए खा लो उसको दे ले खा ले अच्छे लग रहे हैं ना बिस्कुट मंडी एक खा ले खा
क्या फिलेंद्री कर रहे हैं ये लोग। ले खालो खालो खालो। अरे मसल दिया। खा लो खा लो। खाओ भाई सेठ, इंग्लिश बिस्किट्स का मजा लो आप। हाँ दिया दिया। हेलो इनको देता है, इनको बिस्कुट अच्छे लग रहे हैं। हेलो रुकिए खा लो खा लो। चमन प्रकाश जी आपने तो दोस्तों अपने वानर सनों को आज बिस्कुट खिला दिए और उन्होंने भी सही तरीके से खा लिए। वैसे आज मंगलवार था और उनका ऑलरेडी पेट भरा रहता है, इस तरीके से भीड़ जमा नहीं हो पाई जिस तरीके से होनी चाहिए। चलिए पर कोई बात नहीं, हर दिन एक जैसा नहीं रहता, कल आएंगे तो शायद से भीड़ हमको ज़्यादा मिल जाए। और दोस्तों हमारे कई भाई लोगों को एक सवाल था ये लेकर कि हम रेलवे ट्रैक पर बंदरों को खाना खिलाते हैं तो कहते हैं कि ट्रेन आ जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि जिस रेलवे ट्रैक पर हम लोग वीडियो बनाने के लिए आते हैं तो यहाँ पर कभी कभार ट्रेन आती है, ट्रेन का एक टाइम शेड्यूल है और जिस टाइम शेड्यूल पर हम लोग आगे वीडियो बनाते हैं यहाँ पे तो उस टाइम पे यहाँ पे कोई ट्रेन नहीं आती है, यहाँ पे सब बंद रहते हैं। यहाँ पे लोग बेफिक्रे से लोग घूमते हैं, यहाँ ट्रैक्स पे बैठते हैं तो कोई खतरे वाली बात नहीं है। जो एक टाइम पीरियड है उसमें ट्रेन आती है, उसके बाद चली जाती है, फिर उसके बाद ये जो ट्रैक है ये खाली रहता है, मतलब एकदम बिजी ट्रैक नहीं है। ये लोकल रेलवे लाइन ट्रैक है जिस पर कभी कभार ट्रेन आती है, मतलब एक टाइम शेड्यूल के हिसाब से। बाकी जो बंदरों का रहा बंदरों का सवाल, तो हम बंदरों को आराम से खिलाते हैं और अपना जो बंदर रेलवे ट्रैक से हम पर ही खिलाते हैं और बीच में नहीं खिलाते हैं। और आप लोग इस चीज़ से निश्चित रहिए कि यहाँ से कोई रेलवे आ जाएगी तो बंदरों को कोई नुकसान हो जाएगा, कोई नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तो कल देखते हैं इनको क्या खिलाना है। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक शेयर ज़रूर करें, हमारा सपोर्ट करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।